हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये देखिए धूप काफ़ी ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है। और अभी हमारे यहाँ दोस्तों थोड़े दिन पहले एक मीटिंग हुआ था रेलवे का, तो उसमें अमृत स्टेशन बनाने का बात था, तो उस पर थोड़ा सा काम स्टार्ट हो गया है। कल जैसे भी लगा के थोड़ा सा स्टेशन का जो एक पुराना बिल्डिंग है वो थोड़ा सा तोड़ा गया। और दोस्तों, आप जो देख रहे हैं ये सब दुकानें भी तोड़ दिए जाएंगे, और नोटिस दे दिया गया है एक हफ्ते के अंदर ये सारे दुकानें तोड़ देंगे, ये सब दुकान तोड़ दिया जाएगा। और यहाँ पे एक एंट्रेंस के लिए काफ़ी बड़ा सा गेट बनाया जाएगा, और यहाँ पे तो वॉल लगा दिया जाएगा बड़ा सा। जब मुझे भी जाना होगा स्टेशन पे कहीं पे, तो घूम के जाना होगा और स्टेशन की तरफ जो गेट बनेगा आगे की ओर, वहाँ की ओर से जाना पड़ेगा। और ये देखिए 8 तो बज ही गए, सिर्फ 8:05 हो गए हैं एक्चुअल में, और सोना अभी तक सो रही है, वो ठीक से रात को फिर से सो नहीं पाई है, तो अभी भी वो सो रही है। ये देखिए सोना यहाँ पे है, सोना अभी भी सो रही है। पर दोस्तों, सोना जब भी सोती है तो कई बार वो थोड़े से आंखें खोल के सो रही होती है, पता नहीं वो जगी होती है या सो रही होती है, कुछ पता नहीं चलता। बट कभी कभी कुछ बात करें तो बाद में वो बोलती है कि उसने सुना था, तो कई बार जगी रहती है और ऐसे ही लेटी रहती है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ब्रेकफास्ट करना है और उसके बाद तैयार होना है जाने के लिए, तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर तैयार होते हैं। और नेहा जी ने टिफ़िन पैक कर दिया है, बोला है, तो अभी चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, काम से पहुंच गया हूँ घर, और नेहा जी ने एज यूजुअल दे दिया है शरबत, तो अभी शरबत पी रहा हूँ। और तब से खटखटा रहा था, दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं। नेहा जी और सोना बाहर थी, बाहर बैठी हुई थी, जो हमारे बगल में छत है अभी लोगों का, उसमें बैठी हुई थी। और मैं तब से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, फिर पीछे वाले दरवाजे से जाना पड़ा, तब पता चला कि वो बाहर बैठी हुई है। हम लोगों के पीछे के साइड में एक रहती है, टेट की टीचर रहती हैं, लेडी हैं, तो उनके साथ थी नेहा जी और सोना। तो फिर वहाँ से बुला के लाया हूँ, और तब डर के दरवाज़ा खोला, तब तक मैं पूरा भीग गया था पसीने से, उनका कपड़ा भी पूरा भीजा हुआ है। और अभी शरबत पी रहा हूँ, इसलिए फैन के नीचे खड़ा हो गया हूँ, और अभी उसके बाद फिर फ्रेश होने जाना है। सोना खेल रही है, देखो पापा ने से मत करो बेटा, इतना उतना घामोरिया हो गया है, सोना पूरा गीला हो रखी है, सोना घामोरिया हो गया है, सोना का पूरा घामोरिया हो गया है, दिन में 2-3 बार लगा दिन खेलती रहती है, क्योंकि पर पसीने से भीगी रहती है। सक्का लगेगा बेटा, देखिए दौड़ी रही है, सक्का लगेगा बेटा, सक्का लगेगा। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ ना, मैं थोड़ी देर रोकने के बाद नहा निकले जाएगी, थोड़ा पसीना सूख जाएगा, उसके बाद नहाने जाऊँगा। प्लस मुझे दे दो, और सही क्या दोस्तों, हो गया है। ठीक है दोस्तों, मैं किचन में आ गया है, खाना बन गया, अभी बाहर उठा दिया, देखिए। और सोना का खाना हो गया दोस्तों अभी, और काफ़ी देर हस्बैंड के साथ बातचीत किया, हस्बैंड अभी नहाने के लिए गया है, तो आने के बाद अभी तो 8 बज गया है। इतना टाइम से हस्बैंड के साथ बातचीत कर रहा है, बोला है थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, उनके बाद नहाने के लिए जाऊँगी, तो अभी नहाने के लिए गया है। और हम दोनों का भात अभी उठा दिया है, 8 बज गया है, और सोना का खाना तो हस्बैंड नहीं आने से मैं बना के रखा है, और अभी सब्ज़ी बनाना है, सब्जी तो 2 सही है, कभी कभी 1 होने से हस्बैंड खाता है, उनका कोई आपत्ति नहीं है, तो भी इतना मेहनत करके आया है पूरा दिन गर्मी से, तो मैं बनाऊंगी सब्जी, कुछ कुछ, और 2 रोटी भी बनाना है, हस्बैंड को रोटी पसंद है इस वजह से, तो रोटी भी बनाऊँ। दोस्तों अभी तक चाय नहीं पिया है, हस्बैंड नहाने के लिए गया नहीं है, बातचीत कर रहा है, मैं बोला चाय पी लो, बोला नहीं नहा के पीऊँगी, तो अभी नहाने के लिए गया है, और मैं भात उठा दिया, वो आने से मैं सब्जी भी काटूंगी और सही भी बनाऊंगी। और दोस्तों हस्बैंड नहा के आ गया, मेरा भी भात बन गया है और मैं सही बनाया है,
मिठाई पीऊँगी। दोस्तों देखिए मैं किचन पे आया हूँ और नेहा जी कुछ काम पे लगी हुई है। हाँ, मैं आज पूरा दिन नेहा जी ने क्या किया क्या नहीं किया, आज ज़्यादा काम हुआ है। आज पूरा डिब्बा साफ किया है, देखिए ढेर सारा ऐसे डिब्बा है ना, बड़ा बड़ा डिब्बा साफ किया, असर का डिब्बा साफ किया है। और आज मेहमान भी आए ना, आज मेहमान आए थे। हाँ, तो मेरा खाना बन गया है, लॉन्ग बीन्स का सब्जी बना दिया है, टीका आलू टमाटर बना दिया, हो जाएगी, हो जाएगा। अभी रोटी बनाऊंगा। आए कौन थे? जो हम लोग का पूजा है ना, जो पाठ पढ़ाई है ना, वो आया है। और तुम देखो एक दिखाऊंगी, आओ आजा। दोस्तों आज कुछ मेहमान आए थे और वो लोग हमारे यहाँ आए थे क्योंकि जो श्राद्ध था मम्मी पापा का, उसका पाठ पढ़ने आए थे। और हमारे यहाँ भागवत पाठ भी हुआ था जो हमारे मंदिर में, तो उसमें भी आए थे, तो वो भागवत पाठ भी करते हैं, काफ़ी लोग मानते हैं उनको, पूछते हैं। तो उम्र से भी काफ़ी बड़े हैं अभी, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले जब मिले थे तो काफ़ी अच्छा लगा, और आज तो मैं घर पे नहीं था तो वो आए थे। और ये हाँ, वो मंदिर में कुछ पूजा है, उसमें पूजा के लिए वो निमंत्रण देने आए थे। और नेहा जी को निमंत्रण देके गए हैं, सोना को आशीर्वाद देके गए हैं। और नेहा जी तो कुछ कह रही थी, आज देखिए क्या किया नेहा जी ने। उस टाइम ही आया है, देखिए इतना सा पूरा जो यूपी पे दे के रखा है ना, सुखा दिया दोस्तों, उन लोगों ने सुखाया है शायद, मुझे इतना पता नहीं, काफ़ी महीना जाएगी ना, तो इससे पास पूरा सुखाया, पूरा दिन में ऐसे ऐसे काम कर रही है। दोस्तों ये तो नेहा जी ने कर ही दिए और हाँ, खाना पीना भी बना दिया है। हो गया, दो सब्जी बनाया, अभी रोटी बनाऊंगी, हो जाएगी आज पूरा दिन दोस्तों। और आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। वो आया है ना नाना जी है, हम लोग नाना है, नाना बुलाया है, वो लोग भी दो घंटा टाइम ज़्यादा ही बैठा हुआ है, ऐसे भगवान का कुछ पाठ सुना के गया है, बोला कैसे कैसे किया हुआ सी मुझे बोला है, अच्छा भी लगा, सोना को भी ऐसे कुछ कहा, अच्छा लगा। तो दोस्तों खाना पीना तो बन गया है और काम भी हो गया है, वो भराने का काम और डिब्बा में भराऊंगी। हाँ बस, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा था आज, तो काफ़ी गर्मी था, अभी भी पसीना आ रहा है, पैन के नीचे भी पसीना आ रहा है, और मुझे दिन में टाइम नहीं मिला। हाँ, ज़्यादा काम। और आज सोना बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, अभी रो रही है बैठ के, बहुत तंग किया है सोना, गर्मी की वजह से हुआ है दोस्तों, इसे बहुत गर्मी। हाँ, अभी बैठ के रो रही है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए भूलना मत। आज के लिए बाय 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 बाय, गुड नाइट।